हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी। इसके लिए हमने सबसे पहले राइस को लिया है। राइस को हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर और 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट डालकर हमने इस तरह से इसको बॉईल कर लिया है और एक प्लेट में स्प्रेड करके रखा है, जिससे कि ये एक एक दाने में हो जाएंगे। इसके लिए हमें 1 कैरेट चाहिए, सोया चंक है, इनको हमने हल्का सा बॉईल किया है, कोरिएंडर लीफ है, 1/2 कटोरी मटर है, 1/2 कटोरी कॉलीफ्लावर है, जिंजर गार्लिक है, फ्रेंच बीन्स हैं, 2 मीडियम साइज का हमने ऑनियन लिया है, इसको हमने यहाँ पर 1 ग्रीन चिली ली है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 और 3 भी ले सकते हैं। इसमें हमने सोया चंक लिया है, ये रिच प्रोटीन होता है, ये काफ़ी हेल्दी होता है। हमें तड़का लगाने के लिए हमने ये वे लीफ ली हैं 3, एक कार्डमम लिया है, 2 हमने लौंग ली हैं, ये शाही जीरा 1 चम्मच हमने शाही जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने नॉर्मल जीरा लिया है, क्यूमिन सीड, जावित्री लिया है हमने 1/2 टेबल स्पून और 2 स्टोन फ्लावर लिए हैं और 1 सिनेमन लिया है। इसमें हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, ये वेजिटेबल के लिए है क्योंकि हम राइस में ऑलरेडी मिक्स कर चुके हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें गरम मसाला लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें टर्मरिक लिया है, 1.5 टेबल स्पून इसमें हमने पुलाव मसाला लिया है, 2 चम्मच इसमें हमने घी लिया है। तड़के के लिए हमने इसमें 1.5 लार्ज स्पून ऑयल लिया है, इसको हम थोड़ा हीट होने देंगे। सबसे पहले हम वे लीफ डालेंगे, इसमें हम ब्लैक कार्डमम, सिनेमन, स्टोन फ्लावर, शाही जीरा, जावित्री और जीरा डालेंगे, लौंग डालेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पक गया है, इसको हमने 1 मिनट तक कुक किया है। अब इसमें हम ऑनियन डालेंगे, जिंजर गार्लिक को हम इस तरह से इंडियन स्टाइल में क्रश कर लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। ऑनियन हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ग्रीन चिली डालेंगे, बीन्स डालेंगे, पीस डालेंगे। हमने कॉलीफ्लावर को हल्का सा बॉईल किया है टर्मरिक डाल के। कैरेट डालेंगे और सोया चंक डालेंगे। टू मिनट्स तक फ्राई करने के बाद अब इसमें हम टर्मरिक ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे, गरम मसाला और पुलाव मसाला मिक्स करेंगे। Thank you.
इसको स्टे करते हुए हम 5 मिनट तक कुक करेंगे। सारी वेजिटेबल्स देखिए अच्छी तरह से कुक हो गई है, ऑयल रिलीज करने लगी है। अब इसमें हम राइस ऐड करेंगे। अब इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, राइस टूटे नहीं इसके लिए हम इसको हल्के हल्के हाथ से करेंगे। और इसमें अब हम घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, क्योंकि राइस और अच्छे से सिंगल सिंगल दालों में टूट जाएगा। ये देखिए इसका कितना अच्छे तरह से कलर आ रहा है। तो अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे स्लोली। अब इसमें हम कोरिएंडर ऐड करेंगे, गार्निश करने के लिए हम सेपरेटली कर सकते हैं। ये रेडी है। हेल्दी और टेस्टी बिरयानी अब रेडी है। इसको हम कर्ड के साथ में या फिर चटनी के साथ में खा सकते हैं, और हम चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर हेल्दी एंड टेस्टी डिशेज़।